सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो लीजिए, आज फिर मौजूद हैं आपके पास, आपके साथ इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की। तो बात करते हैं फिर उसी चीज़ को जो हमने आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस किया था, समझने और समझाने का काम किया था। मुझे उम्मीद है आप उस चीज़ को देखे होंगे और समझने का प्रयास बिल्कुल किए होंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। तो आज फिर उसी कहानी को लेकर आगे चलते हैं। तो गौर करना है, देख पा रहे अपने स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग दिया है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। पहले इस चीज़ को समझ लिया जाए, प्रोनाउन तो आप देख भी पा रहे हैं कि हमने इसी की चर्चा शुरू से लेकर आ रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर की, तो इस बात को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गौर करना है एक नए वर्ड के साथ, इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट मतलब क्या हुआ? अनिश्चित। यहाँ पे बात हो रही है क्या चीज़ की? अनिश्चित। तो हम जो भी यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, वहाँ पे प्रोनाउन के लिए भी कुछ कुछ अनिश्चित बातें कही गई है, मतलब जिसकी कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ उसके भी कायदे हैं, बट लेकिन कुछ थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। तो उस तजुर्बा को देखने के लिए कुछ आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, तो गौर करना है यहाँ पे। तो देखना है यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या चर्चा हमें पढ़ना है और क्या सीखना है और समझना है। तो आप देख पा रहेंगे मैंने कुछ वर्ड आपके सामने पेश किया एग्जांपल के तौर पर, तो पहले एक एक चीज़ पर समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं, पहले वर्ड हमारे सामने दिख रहा होगा आपको, सम, एवरी, एनी, नो। अब इसकी यूज़ हमारे प्रोनाउन के सेंस में कैसे करते हैं? ऐसे तो पूरे ग्रामर में इसकी यूज होती है, लेकिन इसको प्रोनाउन के सेंस में कैसे यूज करना, क्या इसके कायदे क्या नियम बन सकते हैं? तो आगे हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा होगा आपके सामने वन या ऑब्लिक की बात कर ले बड़ी, इसके बाद हमारा SHV। तो पहले इन दो चीज़ पे हम समझते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं जो दो सेक्शन में आपके सामने बांटा, ये पूरे वर्ड को दो सेक्शन में मैंने रिलेट करने का काम किया। तो एक चीज़ पे आप देखना हो, रिलेट करना है, पढ़ने का काम करेंगे समवन, समबडी। समझना इस बात को और गौर करना भी है इस बात को है कि अगर मैं इसके साथ रिलेट करूँ समवन या समबडी, तो आगे सामने साथ क्या जुट रहा है हमारा वर्ब का सेंस में? SHV। क्या जुट रहा है? SHV। अब यहाँ पे SHV कह देने से क्या सेंस बनता है? यहाँ पे सेंस ये बनता है कि आपको पता है कि इसकी चर्चा में नाउन में किया था कि एस से आपका बना सिंगुलर, एस से बना आपका हेल्पिंग, और भी से आपका मालूम है कि वर्ब। यानी पूरी बात कह देने से क्या समझ में आ जाता है? सिंगुलर, हेल्पिंग, वर्ब। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको इसी बात की इस पर चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी। समझ में आ रहा है कैसे रिलेट कर रहे हैं हम इस चीज़ को? तो इसको इस सारे के साथ हम जो भी वर्ब का यूज करेंगे वो SHV के फॉर्म में यूज होगा। समझना इस बात को है और गौर करना इस बात को है कि इन सारे के साथ जब हम ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं तो हम इसके साथ वर्ब का यूज करेंगे SHV। अब आगे जब हम बढ़ने के काम करें तो आपको जुड़ता हुआ दिख रहा होगा ऑब्लिक के तौर पर ही, हीज, हिम। यानी ही अपने आप में सब्जेक्टिव केस, ही इसी का, हीज इसी का क्या है? पॉजिटिव केस। और इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। तो अब यहाँ पे क्या देखना है कि इन सभी के साथ अगर ये हम जोड़ेंगे तो SHV तो लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे तीन चीज़ जुट रहा है, ही, हिज, हिम। तो प्रायोरिटी किसको देनी है किसी भी एरर में? अगर आपको इन तीनों में से कोई एक वर्ड दिख जाए, क्या दिख जाए? चाहे वो सब्जेक्टिव केस तौर पर आए हो या पॉजिटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, इन तीनों वर्ड में ही अगर एरर हमारा वहाँ पे मिलता है तभी हम उस चीज़ को, बात को सही मानेंगे, अन्यथा हम उसको गलत मानेंगे।
बात को गौर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई है कि इन सभी के साथ जब ये वर्ड हम रिलेट करते हैं तो SHV यूज करेंगे, और इसके साथ अगर एरर में हमें तीनों में से कोई एक चीज़ दिखना चाहिए, चाहे हमें ही दिख जाए, चाहे हिज दिख जाए या हिम दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बस तीनों में से कोई एक होना चाहिए, उसी तीनों में से किसी एक को हम प्रायोरिटी देंगे, बाकी किसी को नहीं, और ऐसे कन्फ्यूजन के लिए हमें दे दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा एक अलग सेक्शन दिख रहा होगा आपके सामने, बात करते हैं थिंग की। अब इसके साथ हम पूरे वर्ड को रिलेट करते हैं, एक चीज़ को, बात करते हैं समथिंग, फिर बात करते हैं एवरीथिंग, फिर बात करते हैं एनीथिंग, फिर बात करते हैं नथिंग। जनरली हम लोग इसे ग्रामर के लैंग्वेज में बोलते हैं, हम लोग हमेशा इस बात को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको प्रोनाउन में क्या इस बात को कहा गया है, तो इन सभी के साथ जब हम ये वर्ड रिलेट करते हैं तो आने वाला वर्ब का जिक्र हमेशा वो SHV के फॉर्म में यूज होता है। क्या यूज होता है? SHV के फॉर्म में यूज होता है। SHV मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो बात हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके साथ हम जो प्रोनाउन के सेंस में यूज करना चाहते हैं, जो प्रोनाउन के सेंस में यूज करते हैं, कौन सा केस होगा, बात करते हैं इट की, अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, इसी के जब पॉजेसिव केस बनाने का काम करते हैं तो बात करना है हमारा इट्स की, यानी पॉजेसिव केस हुआ। और आगे बढ़ते हैं तो इसी का ऑब्जेक्टिव केस यानी इट होता है। आप इट और इसको लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा कि दोनों सेम चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मालूम है कि इट भी सब्जेक्टिव केस होता है, उसकी जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाने काम करते हैं तो इट ही होता है, इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। अब बढ़ते हैं इसके लिए, ये पूरे खेल को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल देखना है, आइए देखते हैं। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल की हमें ज़रूरत है, तो गौर करना है, आइए देखते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपके सामने दो एग्जांपल मैंने पेश किया है, तो गौर करते हैं। पहला एग्जांपल पे, समथिंग हैज फॉरगेटन हिज हर इट्स बैग। आपको मालूम है कि आप जब कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारी पार्टी या कोई भी सेलिब्रेशन सेरेमनी आप अटेंड करते हैं, तो आप उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ आपके साथ लेकर ही जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जनरली हम लोग बैग लेकर जाते हैं, तो आपको पता है कि जब वो सेरेमनी या पार्टी अटेंड कर लेते हैं तो गलती से हमारी वो बैग छूट जाती है, तो कोई इंसान उसमें से हमें बोलने का काम करते हैं कि समथिंग हैज फॉरगेटन बैग, मतलब कोई इंसान अपना बैग भूल चुके हैं। तो यहाँ पे मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका यूज कैसे हुआ है, इसके साथ जो हम प्रोनाउन का यूज किए हुए हैं उसके साथ वो यूज कैसे हुआ है, तो गौर करना है। आपको दिख रहा होगा समथिंग हैज फॉरगेटन हिज हर इट्स, आप दिख रहा होगा कि हिज अपने आप में क्या है, इस बात पर ध्यान देने वाली बात है कि हीज अपने आप में पॉजिटिव केस है, यानी ही का पॉजिटिव केस है। तो अभी मैं इसी की चर्चा आपके साथ मिलकर समझने और समझाने का काम किया था कि ही हीज हिम तीनों में से कोई एक मिल जाए, तीनों में से एक ही किसी को प्रायोरिटी देना। तो आपको पता है कि जब हमारा हीज मिल ही गया तो आगे हमें देखने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे इट्स की हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखना है कि हमें जब हीज यहाँ मिल ही गया तो आगे हम इट्स की चर्चा क्यों करें, इट्स की यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देना। ही हीज हिम, याद रखना इस सेक्शन को मैंने दो सेक्शन में बांट के रखा है, हर सेक्शन का अलग अलग कायदा है, आप इट्स को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देता है, इसीलिए मैंने भी आपको यहाँ समझाने का काम किया है। तो यहाँ पे इट्स को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको प्रायोरिटी किस बात को देनी है, अगर ही की सेक्शन मान लें ही मिल जाए या हिज मिल जाए या ही मिल जाए, इन तीनों में से कोई एक मिल जाए तो इसी की प्रायोरिटी देनी, बाकी हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले एग्जाम्पल पर, तो देखना है एवरीथिंग हैव इट्स वर्थ। आप देख पा रहे एवरी के साथ हमारा जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, थिंग, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें देखना है कि यहां पे इट्स आया हुआ है। आपको पता है कि अभी इसी की चर्चा मैंने किया था, या इट मिले या इट्स मिले या इट मिले, तीनों में से कोई एक प्रायोरिटी देना है, तो इट्स तो हमारा जुड़ ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन दिक्कत है या नहीं है? बिल्कुल है। आपको पता है कि इन सभी के साथ हम SHV वर्ब का यूज करते हैं, यहाँ पे हैव आया है यानी PHV के रूप में आया, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, तो इस कंडीशन में हैव को गलत करके यहाँ पे हम क्या कर लेंगे,
हैच कर लेंगे। बिल्कुल इस बात को ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है आपको एरर में क्या कर सकता है, बाकी बातें आपको बहुत अच्छी दिखेगी लिखी हुई, लेकिन कुछ गड़बड़ हमारा भर्ब के रूप में छेड़छाड़ कर सकता है, तो आप इस बात को भी गौर करना है। तो चलिए इसके लिए एक और कैटेगरी से मुलाकात करते हैं, तो देखना है। अब इस चीज़ को समझने के बाद, अभी जो इनडिफिनिट प्रोनाउन की हमने चर्चा की आपके साथ मिलकर, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पूरी कहानी को लेकर, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा, फिर उस पर हम लेकर आएंगे। आज फिर उसी को लेकर आगे फिर हम आगे बढ़ने के कंटेंट आपके सामने मुलाकात करवाते हैं, जिसका वर्ड आपको दिख पा रहा होगा ऑल। अब ये ऑल तो हम लोग जनरली लाइफ में बोलते हैं, जनरली हम लोग बातें करते हैं, ऑल की चर्चा हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको ग्रामर के लैंग्वेज में क्या समझना है, सही करेक्शन क्या हो सकती है, सही माने में इसको बोलने के लिए क्या तजुर्बा, क्या सही है, क्या तरीका है, हमको ग्रामर के भाषा में अगर हम बात करना चाहें तो क्या हो सकता है। तो अब गौर करना है कि यहाँ पर जो ऑल का मैंने आपके साथ जिक्र किया ऑल का, तो आपको पता है कि ऑल को दो सेक्शन से निकलना है, कैसे मतलब दो सेक्शन। आप बात करते हैं, पहला सेक्शन इसके साथ निकलता है PCN के रूप में और दूसरा सेक्शन निकलता है UN के रूप में। अब आपको बात कर लेते हैं PCN का, गौर करना है उस चीज़ पे कि PCN मतलब क्या होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा PCN की चर्चा मैंने आपके साथ मिलकर किया है नाउन के चैप्टर में। PCN कह देने से क्या समझ में आ जाता है, पी से बना आपका प्लूरल, सी से बना आपका काउंटेबल और एन से बना नाउन। मतलब पूरी बात को अगर एक वर्ड में बोलना चाहे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब समझ में आ रहा होगा ये PCN का सारा खेल यहाँ पे भी यूज होता है, इसीलिए मैंने आपको नाउन में ही बात कही थी कि जितने भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बस आप उसको रेगुलरली देखा करें, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं यूज़ फिर होने वाली है। तो बात यहाँ आई गई हमारे PCN की, तो देखना है कि अब मान लेते हैं कि ऑल हमारा दो तरह का सेंस लेकर आता है, यानी दो तरह से काम करता है ऑल, या तो हमारा प्लूरल कंट्रोलिंग के रूप में आ सकता है, ऑल हमारा अनकंट्रोलेबल के रूप में आ सकता है। बचपन से हम लोग ऐसा चीज़ नहीं समझते थे कि ऑल भी दो तरह से काम करता है, बिल्कुल है। तो अब ये देखना है कि जब अब ऑल हमारा प्लूरल काउंटेबल के रूप में, ऑल हमारा प्लूरल काउंटेबल के रूप में काम करे, तो उसके साथ जाहिर सी बात है कि हम भर्ब का ही भी यूज PHV की ही करेंगे। यानी जब ये बातें हमारी प्लूरल में कह रही है तो जाहिर सी बात है कि भर्ब भी हमारा प्लूरल के ही सेंस में लेकर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले इसी के अगली कैटेगरी पे, तो देखना UN, UN का मतलब क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म में, और बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अभी अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है इसके साथ चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ, तो आपको कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऑल हमारा जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में काम करता है तो इसके साथ वर्ब का हम फॉलो या जिक्र करेंगे तो SSP के रूप में ही जिक्र करेंगे, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करेंगे। ऐसे भी आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, उसमें AS नहीं जोड़ सकते, जब वो प्लूरल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिए कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो गौर करना पहला एग्जांपल पे। देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, हमने आपके सामने लिखने का काम किया ऑल इज वेल। जनरली हम लोग बोलते हैं लाइफ में ऑल इज वेल बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग इस चीज़ को यूज कैसे, इसको ग्रामर ने क्या कह रखा है, तो गौर करना है यहाँ पे। ऑल जो हमारे सामने आया इसके लिए एक लॉजिक है। अब मान लेते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जब आपके सामने कोई सामने फ्रेंड हो तो आप उसके साथ जब मिलते हैं सुबह सुबह तो आप ये बोलते हैं कैसे हैं आप सब बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक चीज़ गौर किए कि वो इंसान जब आपसे ये चीज़ जवाब दिया कि सब ठीक है, लेकिन क्या चीज़ का ठीक है, यानी यहाँ पे आप जब उसकी हाल चाल पूछते हैं और उसकी तबीयत के नहीं एक तरह से हेल्थ का सेंस लेकर आया, क्या आ जाए हेल्थ का, यानी वो इंसान अपना हेल्थ बताया कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। हम लोग जनरली यही बोलते हैं ना, हम लोग बोल तो देते हैं कि ऑल इज वेल सब बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलते हैं हम लोग, यानी हमारा सब कुछ ठीक है, हेल्थ मेरा ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हेल्थ अपने आप में क्या है, आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हेल्थ अपने आप में क्या बनाइए अनकाउंटेबल नाउन बना, क्या बना अनकाउंटेबल नाउन। जब ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है कि ऑल हमारा जब अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में काम करता है तो इसके साथ वर्ब का यूज हम क्या करते हैं SHV। तो हमारे सामने तो इज आ ही चुका है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जब ऑल हमारा अनकाउंटेबल नाउन का सेंस लेकर आए तो जाहिर सी बात है कि इज हमारा SHV के फॉर्म में ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी के लिए इस खेल को जब समझ लिए तो आइए मिलते एक और इसी से जुड़ता हुआ चीज़, और क्या कहता है इसी से रिलेटेड, तो ध्यान देना है यहाँ पे।
अब गौर करना इस एग्जाम्पल पे, क्या कहता है, मैंने लिखने के काम किया ऑल आर वेल। ऑल आर वेल मतलब यहाँ पे क्या सेंस बनता है, समझना इस बात को है और देखना भी इसी बात को है कि ऑल आर वेल मतलब क्या हुआ। अभी मैंने चर्चा किया ऑल इज वेल की, तो ऑल के साथ यूज कैसे हुआ इज का, ये तो खेल आप समझ गए। अब यहाँ पे ऑल के साथ आर जुट रहा है, क्या जुट रहा है, आर जुट रहा है, तो एक्चुअल में अभी यहाँ पे आर क्यों जुट रहा है, इसका क्या कंसेप्ट होता है, क्या लॉजिक हो सकता है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे आप जब बात करते हैं, जब आपके सामने जब कोई दोस्त आता है, कोई व्यक्ति आता है, आप उससे हालचाल पूछते हैं, उसकी पर्सनल हालचाल पूछते हैं, तो बोलता है सब बढ़िया है, यानी वहाँ पे अपना स्वास्थ्य से लेकर हेल्थ से रिलेटेड जवाब दिया, तो हेल्थ अपना में अनकल्टमेंट नाउन बना, जिसके चलते हमने इज का प्रयोग किया यानी SHB का यूज किया। लेकिन जब उसी व्यक्ति से आप बात करते हैं कि और बताइए आपके घर में आपके पेरेंट्स माता पिता कैसे हैं, यानी यहाँ पे आप उसकी हालचाल नहीं, उसके घर के मेंबर की बात हो रही है, तो आपको मालूम है किसी भी व्यक्ति, किसी भी हम लोग के घर में एक मेंबर तो होते नहीं है, एक से दो हो सकते हैं, दो से तीन भी हो सकते हैं, तीन से चार भी हो सकते हैं। और इस बात को ग्रामर भी मान के रखता है कि अगर कोई भी चीज़ एक से जैसे दो में बदलती है तो सिंगुलर ना होकर बल्कि वो प्लूरल के सेंस में बदल जाता है। तो अगर मेंबर मेरा एक हो या एक से दो या दो से तीन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अब उसकी तो हालचाल की बात हो नहीं रही है, उसके घर की फैमिली की बात हो रही है, आप अपने दोस्त से उसके घर के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ऑल का सेंस क्या लेकर आया, मेंबर्स, क्या लेकर आया, मेंबर्स, क्या लेकर आया, मेंबर्स, यानी यहाँ पे उसके सदस्य की बात हो रही है। तो आपको मालूम है कि किसी भी फैमिली में एक से दो होते हैं, तीन, दो से तीन भी हो सकते हैं, जैसे एक से दो होती है वो प्लूरल के रूप में हो जाती है। जब ऑल हमारा यहाँ पे मेंबर्स के रूप में आया तो आपको पता है कि मेंबर्स मतलब क्या समझ में आता है, PCN यानी प्लूरल, आपको पता है यहाँ पे प्लूरल की सेंस आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये मेरा PCN के सेंस में आया तो सिंपल सी बात है कि ये मेरा भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, यानी इसी के चलते मैं इसी के चलते यहाँ पे आर का यूज हुआ। पूरा बात को समझ रहे होंगे, अब पूरे तजुर्बा को भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने यूज किया ऑल का सेंस लेकर के आया मेंबर्स की, यानी एक मेंबर ने वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स की बात हो रही है, बहुत सारे सदस्यों की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में ऑल का जब मेंबर्स का सेंस लेकर आया तो जाहिर सी बात है यानी प्लूरल कंटेनमेंट के रूप में हमारा ऑल काम किया। और मालूम है कि जब प्लूरल कंटेनमेंट के रूप में काम करता है तो हमारे उसके साथ वर्ब क्या लाते हैं, PHB, गौर करना इस बात को। तो इस चीज़ को समझ लेने के बाद इसी के एक और चीज़ से हम लोग मिलते हैं, तो देखना है। अब इसी की एक और कैटेगरी से हम लोग मुलाकात करते हैं, तो गौर करना एक बार, हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का और समझने का प्रयास करते हैं, तो आइए पहले पढ़ते हैं क्या बोलता है। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, आप एक कहावत सुने होंगे कि अंत भला तो सब भला, सही बात है, अगर अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट मीनिंग नहीं, आप मीनिंग तो जानते ही हैं लगभग लगभग, लेकिन मीनिंग के साथ साथ इम्पोर्टेंट यूज हो जाती है कि ऑल के साथ जब हम वर्ब का फॉलो कर रहे हैं तो एक्चुअल में कैसे फॉलो हो रहा है, इस बात पर गौर करना है, चूँकि ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बात करते हैं ऑल का मतलब, जिसे हम मान लेते हैं कोई काम आप शुरुआत किए हुए हैं, शुरू में आपकी थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी के सामना किया, आपको अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उस काम को जब जैसे अंत होने का काम होता है तो सारा कुछ अच्छा हो जाता है, मतलब सब कुछ अच्छा में बदल जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, तो आप इस बात को कहावत के रूप में बोल सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पे जो आप ऑल का मतलब क्या हुआ, ऑल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ, क्या हुआ, वर्क हुआ। आपको मालूम है कि कोई काम आप शुरुआत करते हैं, शुरू में परेशानी होती है, लेकिन वही आगे चलकर हमारे अच्छे के रूप में हो जाते हैं, यानी हमने यहाँ पे वर्क का सेंस आया। आप सेंस को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेला ऑल पर है, ऑल हमारे यहाँ वर्क का सेंस लेकर आ रहा है, यानी वर्क आपको मालूम है कि वर्क क्या नाउन है, प्लूरल कंटेंट नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। आपको पता है कि इसके साथ मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ, नाउन के चैप्टर में इसकी चर्चा मैं किया हूँ कि वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ हम PHB वर्ब का नहीं बल्कि SHB वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा और हमेशा SHB वर्ब का यूज होता है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑल के साथ हमारा क्या लगा है, इज, क्या लगा है, इज, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इज तो हमारा आ ही चुका है, आपको करने के लिए यहाँ पे आर दे सकता है, प्लूरल दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला, यानी यहाँ पे SHB का यूज हुआ ही है, तो कोई परेशानी वाली बात है, ये पूरी की पूरी बात अपने आप में बिल्कुल सही है जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते इसी के लिए एक और एग्जाम्पल कैटेगरी से मुलाकात करते हैं, और क्या हो सकते हैं इसके लिए, तो देखना यहाँ पे
अब गौर करना है इसी के एक और कैटेगरी से क्या कहता है, ये ऑल्सो ही रिलेटेड है। मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता आपके लिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ पे मैं आपको हर कैटेगरी पे मैं कवर करते जा रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या बात करिए, ऑल ब्लैंक इज ऑब्लिक आर इन्विटेड फ्यू आर सिलेक्टेड, यहाँ पे क्या सेंस आता है, पूरा खेला मेरा ऑल पर ही टिका हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब हमारी फॉर्म या मान लेते हैं कोई सिलेक्शन होती है जिसके लिए हम लोग पहले इंटरव्यू देने होते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे एक कैंडिडेट नहीं या वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से हज़ार हो सकते हैं, हज़ार से 500 में कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक कैंडिडेट की तो बात हो नहीं रही है, एक पर्सन की तो बात हो नहीं रही है, एक स्टूडेंट्स की बात ही हो रही है। किसी भी चीज़ को सिलेक्शन के लिए अगर बुलाया गया है या कोई भी चीज़ के लिए तो एक से ज़्यादा ही होती। अब आपको पता है कि ग्रामर इस बात को हमेशा बोलती है कि अगर एक से जैसी दो चीज़ में बदलती है वो ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल के सेंस में हो जाता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है कि सभी को इनवाइट किया जाता है, मतलब सभी को करने मतलब कि कुछ जिसमें तो सेलेक्ट किए गए हैं, तो यहाँ पे मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग ये इंपॉर्टेंट है कि हमें यूज कैसे किया गया, इसका यूज कैसे हुआ। तो गौर करना इस चीज़ पे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ को अगर इनवाइट किया होगा, कोई भी चीज़ को सेलेक्ट किया होगा, या कैंडिडेट की बात करो या स्टूडेंट की, तो एक कैंडिडेट या एक स्टूडेंट तो सेलेक्ट हुए नहीं होंगे वहाँ पे, एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, दो से 500 होंगे, यानी प्लूरल का सेंस लेकर आए। अब आप समझ में आ रहा होगा कि ऑल के साथ हम क्या वर्ब लाए। आपको पता है कि प्लूरल के सेंस में यानी यहाँ पे ऑल आर कह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में हम वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमें अगर इनवाइट किया गया है तो कहने का मतलब है कि एक से दो या दो से चार भी होगा, तो इस कंडीशन में हम आर यहाँ कह लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो इस चीज़ को समझ लेने के बाद एक और कैटेगरी से हम मुलाकात करते हैं जो अपने आप में वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो गौर करना उसी पे। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी हमारे जुड़ता हुआ दिख रहा होगा, ऑल से ही रिलेटेड है। हर चीज़ पे मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ऑल के लेकर कुछ कन्फ्यूज़न होने चाहिए, आप जनरल लाइफ में इसको आप आज से सुधार लेना है कि क्या बोलना है, चूँकि इस बात को ग्रामर मानती है तो हमें भी मानकर ही चलना है। तो देखना है यहाँ पे ऑल का यूज भर्ब का सेंस में कैसे, मान ले भर्ब के साथ कैसे लाया जाएगा। तो देखना है कि ऑल ब्लैंक वाज ऑब्लिक वर पैक्ड फॉर द ट्रिप। अब गौर करना है यहाँ पे अगर मीनिंग हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो चीज़ पैक किया गया वो ट्रिप के लिए, यानी कहीं आप यात्रा जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ लेकर जाते हैं हम लोग, एक चीज़ तो ले हो नहीं सकती है, जनरली बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर जाते हैं, यानी एक चीज़ तो वहाँ की बात हो नहीं रही है। क्योंकि अगर हम लोग कहीं ट्रिप पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ पानी का बोतल तो लेकर जाएंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ लेकर जाएंगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको पता है कि वहाँ पे एक चीज़ से जैसे ही दो चीज़ में बदलती है तो प्लूरल का सेंस बदल जाता है, वहाँ पे सिंगुलर की बात तो होती नहीं है। तो आपको जाहिर सी बात है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे वॉच या वर्क कह लेना क्या अच्छा रहेगा। आपको पता है कि वर्क कह लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा, चूँकि यात्रा के लिए हम एक से ज़्यादा हमेशा जनरली लेकर ही जाते हैं। तो सिंपल से बात है कि यहाँ पे हम प्लूरल का सेंस के रूप में वर्क का यूज कर लेंगे, क्योंकि ट्रिप के लिए हम पैक किए सामान ने एक से ज़्यादा, मालूम है आपको इस बात को, यानी प्लूरल का सेंस लेकर आया ऑल। इस कंडीशन में हम यहाँ वर्क PHV के फॉर्म में यूज करेंगे। तो आज इस चीज़ को हम यहीं रोकते हैं, आपके लिए इस चीज़ को समझना है और देखना है। हर एक चीज़ हर टॉपिक में कवर कर रहा हूँ, बस आप इसको घर में देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खूब सारा प्यार दें, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।